गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष विविध से तीन टॉपिक लेकर आया हूं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है, प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, और दूसरा हमारा टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी, और तीसरा हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। तो अब हम हमारे पहले टॉपिक की ओर आते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। कलम, कलम किसका प्रतीक है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कलम किसका प्रतीक है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल किसका प्रतीक है, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। लाल झंडा हमारा क्रांति या खतरे का सूचक है। लाल झंडा क्या है, क्रांति एवं खतरे का सूचक है। काला झंडा हमारा विरोध का प्रतीक है। काला झंडा हमारा विरोध का प्रतीक है। और पीला झंडा हमारा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। पीला झंडा हमारा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। और उल्टा झंडा हमारा संकट का प्रतीक है। उल्टा झंडा हमारा क्या है, संकट का प्रतीक है। तो आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। और उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हम आते हैं। झुका झंडा जो है वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका झंडा किसका प्रतीक है, राष्ट्रीय शोक का सब प्रतीक है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा किसका है, संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण हमारा परिवार नियोजन का प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। कबूतर पक्षी किसका है, शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। लाल प्रकाश क्या है, खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। और हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। यातायात को जाने का संकेत है हरा प्रकाश। तो आँखों पर बधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक है। ठीक है, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। और हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। और आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक है। अब आते आगे की तरफ। बाँह पर काली पट्टी जो है वो शोक विरोध और दुख का प्रतीक है। बाँह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी किसका प्रतीक है, बिजली के खतरे का। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी किसका प्रतीक है, बिजली के खतरे का। चक्र जो है वो प्रगति का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। कनाडा का गंजा ईगल है। जापान का आइबिस है। न्यूजीलैंड का कीवी है। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। और भारत का क्या है, बाघ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, कंगारू है। कनाडा क्या है, गंजा ईगल है। जापान का क्या है, जापान का हमारा आइबिस है। न्यूजीलैंड का कीवी है। न्यूजीलैंड का क्या है,
कीवी है, और आपका यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं भारत का क्या है, तो भारत का बाघ है। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, तो तीसरा टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। तो द टाइम्स का प्रकाशन स्थल कहाँ है, ये कहाँ प्रकाशित होता है? लंदन में। डेली मिरर लंदन में। ली फिगारो कहाँ पे? पेरिस में। इज्वेस्तिया कहाँ पे? मास्को में। डॉन समाचार पत्र कराची में। द आइलैंड कहाँ पे? कोलंबो में। ईस्टर्न सन कहाँ पे? सिंगापुर में। अल अहरम कहाँ पे? काहिरा में। मर्डेका कहाँ पे? जकार्ता में। तो द टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल लंदन है, डेली मिरर का लंदन है, ली फिगारो का पेरिस है, इज्वेस्तिया का मास्को है, डॉन का कराची है, द आइलैंड का कोलंबो है, और ईस्टर्न सन का सिंगापुर है, और अल अहरम का काहिरा है, मर्डेका का जकार्ता है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब हमारा गार्डियन का लंदन है प्रकाशन स्थल, डेली मेल समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल लंदन है, ला मांद का पेरिस है, प्रावदा का मास्को है, डेली न्यूज का न्यूयॉर्क है, ला रिपब्लिका का रोम है, इंडिपेंडेंट का कहाँ पे है? लंदन में है प्रकाशन स्थल। पीपुल्स डेली का प्रकाशन स्थल बीजिंग में है, ठीक है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल टाइम्स का कहाँ पे है? लंदन में है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, गार्डियन का कहाँ पे है? लंदन में। डेली मिरर का कहाँ पे है? लंदन में। ला मांद का कहाँ पे है? पेरिस में। प्रावदा का कहाँ पे है? मास्को में। डेली न्यूज का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ला रिपब्लिका का कहाँ पे है? रोम में। इंडिपेंडेंट का कहाँ पे है? लंदन में। पीपुल्स डेली का कहाँ पे है? बीजिंग में। और फाइनेंशियल टाइम्स का कहाँ पे है? लंदन में है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा मर्डेका का जकार्ता में, वाशिंगटन पोस्ट का वाशिंगटन में, द हिंदू का प्रकाशन स्थल चेन्नई में, स्टार का प्रकाशन स्थल जोहान्सबर्ग में, मैनेची सिम्बून का प्रकाशन स्थल टोक्यो में, इंडिपेंडेंट का प्रकाशन स्थल लंदन में, पीपुल्स डेली का प्रकाशन स्थल बीजिंग में, फाइनेंशियल टाइम्स का प्रकाशन स्थल लंदन में, न्यूयॉर्क टाइम्स का न्यूयॉर्क में, बांग्लादेश ऑब्जर्वर का ढाका में प्रकाशन स्थल, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल भारत है, और खलीज टाइम्स का प्रकाशन स्थल क्या है? दुबई है। तो मर्डेका का जकार्ता है, वाशिंगटन पोस्ट का वाशिंगटन है, द हिंदू का चेन्नई है, स्टार का जोहान्सबर्ग है, मैनेची सिम्बून का प्रकाशन स्थल टोक्यो है, पीपुल्स डेली समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल बीजिंग है, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल लंदन है, न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल न्यूयॉर्क है, बांग्लादेश ऑब्जर्वर समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल ढाका है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का भारत है, और खलीज टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल दुबई है। इस प्रकार हमारा आज का तीनों टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।